अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अर्शिया, एमडी जनरल फिजिशियन, सत्या यूनानी हेल्थ केयर सेंटर, श्रीनगर कॉलोनी ब्रांच, हैदराबाद। आज हम बात करेंगे पीसीओडीज इन हाइपोथायरॉइड पेशेंट्स। पीसीओडीज यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी ओवेरियन सिस्ट, जो फीमेल्स में इस दौर में बहुत ज़्यादा कॉमनली इनफर्टिलिटी के केसेस जब हम डील करते हैं तो देखा गया है। पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तब वो इन्वेस्टिगेशंस के बाद उनके स्कैन में अल्ट्रासाउंड जब एब्डोमेन एंड पेल्विस का करवाते हैं फीमेल पेशेंट्स, तब उनके रिपोर्ट्स में इंप्रेशन आता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या मल्टीपल फॉलिकल्स ओवर ओवरीज। तो ये डिजीज होती क्या है? एक्चुअली ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें नॉर्मल ओवेरियन फंक्शन, जो एग प्रोड्यूस करना होता है, जो एग फॉलिकल्स होते हैं, जो ओवरीज के अतराफ में एग प्रोड्यूस करने वाले सेंटर्स जब अपने फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते, एग प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तब ये डिजीज होती है पीसीओडीज। और ये वैसे ही बिना रप्चर हुए फर्टिलिटी के लिए मंथली जो साइकल्स पीरियड्स आते हैं वो नहीं होते, इसके नतीजे में होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब ये डिजीज जब स्टार्ट होती है, पेशेंट डॉक्टर के पास सिर्फ अपना स्कैन लेकर जाता है और इसको ट्रीटमेंट में ये एक्सपेक्ट करता है कि इसकी डिजीज से उसको निजात हो जाए। और हाइपोथायरॉइड पेशेंट्स में सिर्फ एक टैबलेट जो अर्ली मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट दी जाती है उनको, थायरोनिल के नाम से, सिर्फ वो एक टैबलेट लेने की वजह से और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद पीसीओडीज का जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है मॉडर्न मेडिसिन में, और कंडीशन वर्स हो जाती है। इनफैक्ट अगर वो टैबलेट खाने के बीच में और टैबलेट के बीच में गैप ना दे जो बिफोर ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो टैबलेट का उनको फायदा होने के बजाय और एडवर्स इफेक्ट यानी और नुकसानात होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट होता है। टैबलेट जब फूड से मिलती है तो उससे टॉक्सिसिटी पैदा होती है और करेक्ट होने के बजाय ये हॉर्मोन्स मजीद एडवर्स होते हैं और उनका लेवल और बढ़ जाता है। और पीसीओडीज में रेगुलर साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम एग रिलीज नहीं करने के नतीजे में होती है। तब हम यहाँ सत्या यूनानी हेल्थ केयर सेंटर में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को, जो काफी मंथ से हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद भी उनके लेवल्स थायराइड के अप्स एंड डाउन्स होते हैं रिपोर्ट्स में, रिपीटेशन ऑफ स्कैन्स के बाद भी उनके अंदर पीसीओडीज स्टिल रह जाते हैं, तो वैसे पेशेंट्स को हम यहाँ अपने सेंटर पे उसके रिस्पांस के साथ यहाँ ट्रीट करते हैं। इवन उनका साइकिल्स रेगुलर हो जाते हैं, एनोवेलेटरी साइकिल जिसमें एग प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, वो फॉलिकुलर स्टडी नामी एक टेस्ट के बाद हम उनके फॉलिकल्स में एग प्रोडक्शन भी देख सकते हैं और वो फर्टिलिटी केसेस अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो जाता है। इवन जब हम ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी को नेचुरल वे में और साथ ही साथ उनके डाइट करेक्शन, इवन हम इन पेशेंट्स को यहाँ सत्या यूनानी हेल्थ केयर सेंटर में एक नेचुरल वे में थायराइड हार्मोन रिलीज करने के लिए थायराइड ग्लैंड को करेक्ट करते हैं, और ये रेमेडीज आपके पीसीओडीज प्रॉब्लम है उसको एनोवेलेटरी साइकिल से ओवेलेटरी साइकिल्स में तब्दील करता है और स्कैन में फ्रूटफुल रिजल्ट्स। इवन हम सत्या यूनानी हेल्थ केयर सेंटर पे इसके डेटा कलेक्शन करते हैं जो बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्ट्स के साथ पेशेंट्स को 99% रिलीफ होता है और वो पीसीओडीज जैसी डिजीज से निजात पाते हैं, उनके साइकिल्स रेगुलर हो जाते हैं, उनको मेनोरेजिया यानी ज्यादा फ्लो ब्लड लॉस की जो कंडीशन थी वो भी रेगुलर हो जाती है, सिम्टम्स और साइड इफेक्ट जो उनको मॉडर्न मेडिसिन में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के जो बर्थ कंट्रोल पिल्स है उसके लेने के बाद भी जो महसूस होते हैं वो सारे साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सत्या यूनानी हेल्थ केयर सेंटर पे कई ऐसे केसेस हैं जो सक्सेसफुली ट्रीट हो चुके हैं और उनके स्कैन से हम लोग ये देख सकते हैं कि वो एनोवेलेटरी साइकल्स ओवेलेटरी साइकल्स में चेंज हो चुके हैं और वो इन्फर्टिलिटी केसेस को भी सॉल्व किया जा रहा है। सो इंशाल्लाह यहाँ पर आए और इस कॉम्प्लिकेटेड पीसीओडीज विद हाइपोथायरॉयडिज्म को सॉल्व करने के लिए हमारे सत्या यूनानी हेल्थ केयर सेंटर से ट्रीटमेंट ले एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्थी।